हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कलेक्शन ऑफ टॉयज। और आज का जो कलेक्शन है वो आप देख ही सकते हैं, सब मेरे पास एक से एक, मतलब ऑफ रोडिंग कार से एकदम धमाल मचाने वाली। तो आज का वीडियो जो है काफी कमाल धमाल झमाल मचाने वाला होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो जाए जाके सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में बेल आइकन उसको भी दबा दो, जिससे कि मैं जब भी कोई नया हमारा टॉयज का वीडियो लेकर आऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो को देखने वाले सबसे पहले भी बस बन पाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप हमारा एक भी टॉयज का वीडियो मिस करें। तो चलिए बिना किसी देर के जल्दी से हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी कार से, यहाँ पर रेंगलर जीप है, ये भी ऑफ रोड बोलते हैं इसे, 4x4 व्हील ड्राइव है। उस पर हमारे पास क्लैम्परिंग रॉक, मतलब ये इसका एक तरीके से नाम जो है वो ऑफ रोड रॉक, मतलब ये रॉक माउंटेन्स के ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। उसके बाद एक हमारे पास एक खतरनाक ऑफ रोडिंग देख सकते हो आप, उसको क्या है इसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूँ इसका नाम मॉन्स्टर ट्रक है और एकदम खतरनाक है, काफी यूनिक है। तो चलिए बिना किसी जगह जैसे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पिक करता है हमारा रॉक ऑफ रोडिंग, वाह देखिए आप इसको, पूरा मिलिट्री कलर के अंदर बना हुआ है, काफी कमाल जैसे टायर देख सकते हैं, पूरे रियल है, देखिए दब रहे हैं यहाँ पे सस्पेंशन उसके, देखिए टायर भी इसके दब रहे हैं, मतलब इसके अंदर हवा काफी कम भरी हुई है, पूरी बैटरी ऑपरेटेड है, काफी कमाल की पीछे की स्टेपनी भी लगी हुई। यहाँ पे फ्रंट में दो सीट है, एक ड्राइवर है, एक को ड्राइवर की सीट यहाँ पे लगी हुई है। अगर आपको इसका लुक पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और रेसिंग कार है ये, ऑफ रोडिंग के लिए काफी कमाल की, 4x4 व्हील ड्राइव होती है, इसके अंदर चलने के लिए काफी कमाल होती है। साथ ही मिल जाता है इसका एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, जो यहाँ से आगे पीछे, आगे यहाँ से पीछे राइट लेफ्ट, आप इसको यहाँ से पूरा के पूरा मैनेज कर सकते हो। तो आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से चलाते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हमारी ऑफ रोडिंग रॉक क्लाइंबिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मुझे तो काफी अच्छी लगी। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी लाजवाब है, एकदम यूनिक है, एकदम धमाल है। तो देखिए यहाँ पे बैटरी लगती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कितनी बैटरी यहाँ पे लगती है। तो ये अभी यहाँ पे बंद है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है 3 AA साइज की बैटरी लगती है और ये ऑन ऑफ का स्विच देगा। तो मैं इसको लगा के आपको नीचे चला के बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ये है हमारा रिमोट कंट्रोल, वाह। तो इसके अंदर कितनी बैटरी लगती है मैं आपको बता दूँ, इसका जो है यहाँ से खुलेगा, यहाँ पे 2 AA साइज की आपको बैटरी यहाँ पे लगाना होगी, देख सकते हो आप इसको, और उसके बाद आप इसको यहाँ से कर दोगे बंद। तो चलिए इसको मैं आपको नीचे चला के बताऊंगा किस तरीके से चलती है। तो अगर आपको कुछ भी क्यूरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नीचे और आपको नीचे चला के बताते हैं, लेट्स गो। देखिए काफी दूर तक के जा रही है, पीछे स्पीड देखिए इसकी, ऑटोमेटिक जो है वो देखिए मेरे पाँव में फंस चुकी है। देखिए रिवर्स, आगे फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। सो देखा आपने हमारी जो रॉक क्लाइंबिंग वाली जो कार थी क्या चलती थी यार, वो यहाँ पे फिसल रही थी, लेकिन वो जो बनी है बेसिकली वो माउंटेन्स के ऊपर चलने के लिए बनी हुई है, या ऑफ रोडिंग आप उसको चलाओगे तो काफी अच्छी चलती है वो। तो चलिए आते हैं हमारी दूसरी कार सेगमेंट को ऊपर, दोनों में से कौन सी पिक करा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। एक है हमारे पास रेंगलर जीप 4x4 और एक है हमारे पास मॉन्स्टर ट्रक, जो काफी खतरनाक है। हाइट देख सकते हो आप इसके, मॉन्स्टर ट्रक काफी ज्यादा ऊंचा है इससे, कलर देखिए लंबा भी मॉन्स्टर ट्रक काफी ज्यादा है, सस्पेंशन देखिए मॉन्स्टर ट्रक के पूरे यहाँ पे कमाल के, इसके अंदर इतने सस्पेंशन है ही नहीं। तो देखिए आप चलते हैं, हम अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू करते हैं हमारी रेंगलर कार को। तो ये देख सकते हो हमारी, ये है रेंगलर कार, वाओ एक्सट्रीम। अभी जो थॉर आई है रॉक्स, देखिए उसके ही कंपेरिजन में बनी हुई है, देखिए रेंगलर की जीप की कार है हमारे पास, और इसको आप बोल सकते हो 4x4। इसका लुक देखिए कमाल का, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रियल जीप चला रहे हो यार, वाओ। यहाँ पे पीछे इसके अंदर स्टेप नीचे देखिए, टायर देखिए, टायर साइज भी इसका काफी हेवी है, काफी बिग है इसका टायर साइज। और यहाँ पे फ्रंट में देखिए, यहाँ पे दो सीट लगी है, ड्राइवर की एक, कोच ड्राइवर की लगी है, यहाँ पे पैसेंजर बोल दो उसको। पीछे देखिए जो लुक आता है, इस तरह का लुक बिल्कुल सेम है जिस लुक दे रखा है। यहाँ पे एंटीना है जो आपको रिमोट कंट्रोल से जब चलाओगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उसको चलाने में। लेकिन एक चीज बता दूंगा, इसकी जो एज लिमिट है 3+, मतलब 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे होना चाहिए अगर आप इसको चलाते हो। कोई सी भी कार जो हमारी ऑफ रोडिंग रॉक्स गई या हमारी ये या मॉन्स्टर कार है, तीनों को आपको 3+, मतलब 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे आपको चाहिए इसको चलाने के लिए। तो देखिए इसका लुक देखिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। यहाँ से देखिए टायर भी देखिए, वाओ। इसका फ्रंट व्हील देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे घूम रहा है इसका, और पीछे का जो है वो रोटेट होता है, देखिए इस तरीके से। तो अगर आपको हमारी रेंगलर जीप पसंद आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, और अगर आपको इस तरह का टॉयस चाहिए तो भी कमेंट करिए, मैं नीचे आपको लिंक शेयर करूंगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी काफी चीपेस्ट प्राइस में परचेस कर सकते हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो है हमारी बैटरीज वगैरह कहाँ लगेगी। तो इसके अंदर चार्जेबल बैटरीज रहती है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए ये यहाँ पे 3 चार्जेबल बैटरीज यहाँ पे लगी हुई है। साथ में हमें मिल जाता है एक ये अडाप्टर,
तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा करना है कि एडाप्टर को लगाना है चार्जिंग सॉकेट में और वहाँ से फिर इसको ऑन ऑफ करिए। देखिए ये है इसका चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, तो आपको इसको यहाँ पे फिट करना है इसके अंदर बैटरी लगा के और इसको आपके प्लग मतलब यहाँ पे स्विच है वहाँ पे लगा के इसको ऑन कर दीजिए तो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, है ना। यहाँ से इसी के साथ ये भी एक एडाप्टर इसके साथ मिल जाता है, इसको मैंने निकाल दिया है और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ रिमोट हमारा, ये देखिए ये है इसका रिमोट कंट्रोल, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट और बीच वाला जो दबता है इसके डोर्स ओपन होते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो क्या होगा यहाँ पे जो डोर्स है वो ऑटोमेटिक ओपन होता है, देखिए ये ओपन हो रहा है अभी, अभी मैं मैनुअली इसको ओपन कर रहा हूँ लेकिन ये ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक ये जो है ओपन होते हैं ये। वाह है ना कमाल की चीज, इसके डोर्स भी ओपन हो रहे हैं यार, वाह मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसके अंदर कितनी बैटरी लगेगी, इसके अंदर भी 2 AA की बैटरी लगेगी तो मैं लगाता हूँ आपको नीचे चला के बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी जाएगा जल्दी चलते हैं नीचे और इसको अच्छे से इसका रिव्यू करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। तो लैग की काफ़ी तेज जा रही है यार, स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है, इसका कंट्रोलिंग जो काफ़ी अच्छा दे रखा है रेंगुलर जीप, लेकिन ऑफ रोडिंग है, इसको ऑफ रोडिंग भी चला के आपको दिखाएंगे। देखिए लाइट इसकी देखिए चमचमाती हुई इसकी लाइट है। इसके साथ एक और यूनिक चीज़ है कि इसके डोर्स भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, देखिए इसके डोर हम आपको ओपन करके बताते हैं। देखिए एक बटन दे रखा है रिमोट में बीच वाला, वो जैसे आप प्रेस करोगे तो इसके डोर्स जो है ऑटोमेटिक ओपन क्लोज हो जाएंगे। अब चलिए इसको तेज चला के बताते हैं, हम आपको लॉन्ग जर्नी करके बताएंगे आपको इसे। देखिए काफ़ी फास्ट टकरा के यहाँ पे अब रिवर्स जाएगी, यहाँ से देखिए रिवर्स करते हैं इसको यहाँ से। देखा आपने काफी फास्ट चलती है, तो देखा आपने किस तरह की हमारी रेंगुलर जीप चलती थी, काफी अच्छी लगी। उसकी प्राइस अगर आपको जानना था मुझे नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बात है हमारी लास्ट नॉट द लिस्ट, हमारी जो कार है वो काफी खतरनाक और काफी खूंखार है, क्योंकि ये जो कार है हमारी ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर ट्रक है, तो इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इसको भी मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है और प्राइस जो इसकी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऑफलाइन मार्केट में आपको काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगी। SUVS देखिए, वाओ इसका लुक देखिए आप, कमाल धमाल छमाल पसंद आ रहा है। इसके टायर देखिए आप, इसके काफ़ी यूनिक है, इसके राइट लेफ्ट आगे पीछे हर तरीके से इसके टायर जो है वो रोटेट हो जाते हैं। इसका रिमोट कंट्रोल आगे पीछे राइट लेफ्ट है, यहाँ से आपको साइड में चलाना है, इधर दबाइए इधर दबाइए, बीच में गोल गोल घुमाना तो बीच का दबाइए, यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है। इसके अंदर भी आपको 2 AA की बैटरी लगेगी, वो मैं आपको लगा के नीचे लगा के बताऊंगा। चलिए इसके अंदर भी आपको 2 सीट मिल जाती है, यहाँ पर ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पीछे एक स्टेप में टायर दे रखा है। इसके टायर जो है वो आपको फ्लेक्सिबल मतलब रबर के नहीं मिलेंगे, नायलून के जो दब सकते हैं। इसके टायर को यूनिक है, प्लास्टिक हो यहाँ पे इस तरह का रबर यहाँ पे लगा हुआ है। सस्पेंशन की बात करें तो इसको फुल सस्पेंशन देख सकते हैं आप, इसको पूरा फ्लैट हो जाता है एकदम, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कमाल का। तो बैटरी की इसके बात करें, सिंगल बैटरी मिलती है जो आपको 500 mAh की पावर देती है, तो वो भी चार्जेबल है, आपको इसका एडाप्टर भी साथ में मिल जाता है, आपको उसको चार्जिंग करना रहती है। तो यहाँ पे चार्जिंग करके और इसको नीचे चला के मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तो अभी मैंने इसको चार्ज कर लिया है, तो बिना किसी देर के जल्दी से चलते हैं नीचे और इसका अच्छे से टेस्ट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारा रेंगुलर जो ट्रक था वो परफॉर्मेंस देता था, क्या चलता था लाजवाब, स्पीड जो थी वो काफ़ी कमाल की थी, हाइट पे भी हमने इसको लेके गए, वहाँ से नीचे जंप भी कराए तो कुछ भी नहीं हुआ, कितनी बार गिरा है कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी रफ एंड टफ है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो हमारा इसकी है मॉन्स्टर ट्रक की। तो अगर आपको जो भी पसंद है आप मुझे नीचे कमेंट करें, तीनों में से आपको जो भी टॉय सबसे ज़्यादा पसंद है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ हमारे किसी अगले टॉयज़ के वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।